हम अवगुण भरे एक गुण नाहि अमृत शाड बिखर बिख खाई माया मोह परम दारा प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो संगत तेह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीर्त की गुर राम दास रखो शरणाई एक अरदास अरदास पाठ कीर्त की गुर राम दास गुर राम दास गुर राम राग मारू महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भा निर्भर अकाल मूरत अजूनी सभं गुरुप्रसाद गुरुप्रसाद धन गुरु दशमेश पिता कलगी धर महाराज जी दे पावन आगमन पुरब नू समर्पित होके दीवाना विच हाजरियां भर रहे परम सत्कार योग सरबत माई भाई जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखां दी रस भिन्नी रसना तो आप जी ने महारस अद्भुत रस
ਬਿਸਮ ਰਸ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲਕੋਂ ਸਰਾਗ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾਂ ਸਦ ਤੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ। ਇਉਂ ਜਾਣਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਂਝ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੀ ਰੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਾਹਦਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਦ ਧੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ
साजन साजन तेरे चरण की नानक शरण तुहारिया शरण तुहारिया नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर सदा जूर साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे साजन तेरे चरण की होए रहा सत दूर सा साजन तेरे चरण की नानक शरण तुहारिया नानक शरण
सर्व सुखा गुरचरना सर्व सुखा गुरचरना सारे सुख गुरु दे चरना जे सज्जन दे चरना दी धूड़ होना ते सज्जन दे चरना दी धूड़ दा लाभ की है ओदा भी पता हो। गुरबाणी कहती है कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद। कहते दुनिया चाहती है मैनु स्वर्ग मिले, डरती है कित नरक च ना पैना पै जाए, पर कहते मैनु अपने गुरु की कृपा मिल गई इस वास्ते ना स्वर्गां दी इच्छा ते ना नरकां दा डर है। नरकां दा डर तुसी संगत विच बैठे हो, तुसी गुरु की संगत विच बैठे हो, इदों वड्डा स्वर्ग नहीं लभना कितों हो। सतगुरां ने
गुरबाणी विच आख्या है, कहो कबीर कहिया काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। साध संगत विच आउणा बैकुंठ विच आउणा है। लोकी अरदासां करवाउंदे आ ते नाले कहिंदे जी स्वर्ग वासी फलाना सिंह जां फलानी कौर, पर कमाल है सानू यह शरीर छड़न तो पहले ही महाराज ने साडे नां नाल स्वर्गवासी ला दिता। कदी सोचिया सी हुण इत्थे बैठे किसी नूं कह दिओ ना तुसीं स्वर्गवासी भाई साहब ते स्वर्गवासी भैन जी तुहानूं लड़न पैणगे है। मैं ते जिउंदा मैनूं जिउंदे नूं मार दिता। जिहड़े अगले स्वर्ग की गल है ना उहदे बारे गुरबाणी कहिंदी है, बेणी कह सुनो हरे संतो मरन मुकत किन पाई। और गुरबाणी ने कहा, मुए हुए जो मुकत देहोगे मुकत ना जाने कोहला। हे मेरे वाहिगुरु, मरण तो बाद मैनू मुक्ति देगा, इन्हां लोकां नूं की पता लगना मैं मुक्त हो गया। जिहड़े उदों तंग करदे उन्हां बारे इहदा मतलब की है जी। आ हुणे गुरमुख प्यारे बड़े रस नाल कीर्तन बड़ी सुर विच गुरु साहब कृपा करन नौजवानां नूं महाराज होर दातां बख्शण। ये साड़ी विरासत है कीर्तन, साड़ा कल्चर है, नचना टपना साड़ा कल्चर नहीं है। बोलियां पाउणियां वो साड़ा कल्चर नहीं, कीर्तन करना साड़ा कल्चर है। कीर्तन नाल जोड़ी वजाउणी, कीर्तन नाल खड़तालां वजाउणियां, कीर्तन विच झूम झूम के आनंद लेना, ये साड़ा कल्चर। जिवें जिवें गुरु के कीर्तन की धुन करना च पैंदी है अपने मन नूं तिवें तिवें उहदे नाल इक सुर करके नचाउणा, ये की साडा कल्चर है। नाच रे मन गुर के आगे। नौजवान बच्चियां कीर्तनियां नूं वध तों वध उत्साह दिया करो, ये साडी जायदाद ने। कोई भी कीर्तनियां जिहड़ा इस पासे नूं आउंदा वो तुहाडे भावें मलेशिया दा होवे ते भावें किसी होर कंट्री दा होवे, इन्नी जरूर आपां आपस विच ही सांझ करनी है। नितनेम दे पक्के होण कीर्तनियां वी ते गुरु के लाल गुरु के बच्चे बच्चियां सरोते भी, फिर बख्शिश हुंदी है। जिहड़ा नितनेम नहीं छड़दा गुरु नानक साहब उहदी बाँह नहीं छड़दी। जिहदी बाँह गुरु नानक साहब ने फड़ी होएगी कदी सोच सकदे हो वी नरकां च पै जाएगा। गुरु नानक साहब दी तां जिहदा तां निगाही इदां दी है, डॉक्टर भाई वीर सिंह होरां ने एक साखी लिखी है वी ठग्गां ने महाराज नूं घेर लिया। गुरु साहब दे इस शरीरक चेहरे ते नूर बड़ा सी। शरीरक चेहरा मैं तां कह रहा भई उन्हां दा जिहड़ा आत्मक सरूप है वह तो अज भी साढ़े कोल है, कितें गए नहीं। नूर देख के ठग मगर लग गए। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज मौज आई भी तारना है इन्हां नूं। रहो विचार छेती छेती आपां साखी समाप्त करिए। जंगल विच लै गए कहिंदे भी जो कुछ हैगा कढ दिओ, नाल कहिंदे भी साडा असूल है असीं लुट के उसे वेले बंदा मार दिंदे आ। महाराज कहिंदे चंगी गल है मार दिओ, पर एक ध्यान रखो भी साडियां लाशां इत्थे पईआं रहीआं ते निशानदेह होगी तुसीं फड़े जाओगे। इस वास्ते लगदे हाथ साडा संस्कार भी कर दिओ, साड़ भी दिओ।
चार सीगे, दो आखन लगे भी एक कुछ चलाकी लगती है, दो आखन लगे साधु जय है गया कितों कितों माल मत्ता मिल गया होना, इन्हों धन पदार्थ मिल गया होना, तो इन्हों पता ही नहीं की बन जाना। पर की जानना को परमेश्वर है। महाराज साहब कहते भाई तुसी साडा सत्कार कर दियो, वाहगुरु नाल इशारा किया भी वह धुआं निकलता पिया, धुआं निकलता पिया उतों अग लै आओ, सौखा करता ना काम। ए जको तकी चे महाराज कहते इदा करो, दो जाने चले जाओ, दो जाने साढ़े को खलोते रहो, असं भजते नहीं कितने। चले गए, जदों अगे गए ने ते किसे मनुख की चिखा बलदी पई है, चिखा समझदे हो ना, संस्कार हुंदा पिया। जदों होर नेड़े होए गरीब नवाज ने दृष्टि खोल दिती, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिरगाच, एक गुरबाणी कहती है। एक तो जिंदे भूत होंदे आ, कबीर जै घर साधना सेवी है हर की सेवा ना है, ते घर मार हट सारखे भूत बसै तेन माहे। एक तो भूत हो गए आपां जिहड़े नाम नहीं जपदे आपां भूत, ते एक भूत वह जिहड़े गुजर गए ते जिन्हां दी अवगत आत्मा भटकदी फिरदी है। कोई मने ना मने गुरबाणी तो कहती है ना, अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मैं जिमरै, प्रेत जोन वल वल उतरै। जदों उन्हां ओह देखदे ने भई एक कमाल दी गल, इत्थे लड़ाई हो रही है, लड़ाई कादी हो रही है, कुछ एक ने जिन्हां जिन्हां जिहड़े लगदे ने भी ये सफेद वस्त्रां वाले सफेद बदन वाले, ते कुछ लगदे ने जिहड़े बड़े काले भूत धूत काले, एक दूजे नाल लड़दे पए ने, वह काले धूत कहिंदे आ इह साडा है, दूजे कहिंदे ने इह साडा है। अखीर करद्या करद्या जिहड़े निर्मल स्वच्छ लगदे सन उन्होंने कहा भी इहदे धुएं दे उत्ते, इहदी बलदी होई चिखा दे धुएं दे उत्ते गुरु नानक साहब की निगाह पै गई है, इस वास्ते ये नरकां नूं नहीं जा सकदा, इहनूं असी लै के जावांगे। वो जिहड़े अग लैण आए सन वह एकदम ठठंबर गए भी ये की कर रहे कह रहे ने, वह गुरु नानक साहब कौन है। उन्होंने दसिया कहिंदे ओ भोलिओ जिन्हां नूं मार के साड़न वास्ते अग लैण आए हो ना, वह गुरु नानक साहब ने। गुरु नानक साहब की निगाह एक मरे हुए मनुख की बलदी हुई चिखा दे धुएं ते पै जांदी है, ते गुरु नानक साहब उहदा उधार कर दिंदे ने। रोज ही पढ़ते हैं ना, नानक नदरी नदर निहाल, जिदे उत्ते नदर होवे उहदे करोड़ा 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 पाप बख्श दिंदे आ, ते जे हो जाए नदर पुठी फिर की हुंदा जी, फिर हुंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा। इत्थे ही बस नहीं, फिर अगली गल दर मंगण भिख ना पाएंदा। प्यारे हो गुरु दे चरणा च बड़ा सुख जे, उन्होंने आके महाराज तो खिमा मंगी, तो सतगुरां ने उन्हों का उधार भी कर दिता। गुरु नानक जी की निगाह इदा दी है, तो अज भी गुरु नानक जी की निगाह वरतदी है। गुरु ग्रंथ साहब दसे पातशाहियां दा स्वरूप ने, जदों बाणी का संचार हुंदा ना, बाणी का संचार उदों महाराज की निगाह वरत, उदों महाराज के चरणों का प्यार मिलता। तो आओ जी चरणों का प्यार कितना कुछ सुख दिंदा, उदा थोड़ा जिहा असीं वर्णन करांगे। आपां पहलों शब्द पढ़ लीए, सर्व सुखां गुर चरणा। सारयां नूं बेनती है
गज के बोलियो जे शब्द विच फिर देखो महाराज दी मेरा किदां हुंदी है। सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना कल मलदार मन है सदारन मलदारन मन है सदारन एह आसर मोहे धरना एह आसर मोहे धरना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना बोलो प्यारे गज के सर्ब वाह 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 फिर एक बार बोलो जी प्यारे हो सर्ब वाह वाह जी वाह वाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब जपो जी सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब कल मलदारन मन है सदारन एह आसर मोहे धरना एह आसर मोहे धरना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना पूजा अर्चा सेवा बंदन बोलो जी एह टहल मोहे करना एह टहल मोहे करना बिगसे मन होवे परगासा बिगसे मन होवे परगासा बिगसे मन होवे परगासा होवे परगासा बहुर ना घर परना बहुर ना घर परना सर्ब सुखा गुर चरना सर्ब सुखा गुर चरना जपो प्यारियो कल मलदारन मन सधारन कल मलदारन मन सधारन
आस मोह धरना सोचो गुरु गोविंद सिंह जी सामने बैठे हो ते जो असि पढ़ीए गुरु साहब के सामने फिर की आनंद बनेगा। वह बिरती लैके भाई ये गुरु गोविंद सिंह जी बैठे ने आओ पढ़िए सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा सफल मूरत परसों संतन की यह त्याना धरना यह त्याना पयो कृपाल ठाकुर नानक को कृपाल ठाकुर नानक को पयो कृपाल ठाकुर नानक को कृपाल ठाकुर नानक को करियो साध की शरणा सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना कल मलदार मन है सदारन मलदारन मन है सदारन एह आस मोह धरना एह आस मोह धरना पूजा अर्चा सेवा वंदन टहल मोह करना टहल मोह करना बिगस मन होवे परगासा परसों संतन की परसों संतन की
पयो कृपाल ठाकुर नानक को सर्व सुखा गुरचरना सर्व सुखा गुरचरना सर्व सुखा गुरचरना वाहिगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब दोपहर दे वक्त पलंगे ते विराजमान ने लेटे होए ने शरीर लेटिया होया ते महाराज दे चरणा विचों खून सिमना शुरू हो गया। सिमना समझ लो थोड़ा थोड़ा बगना। एक बारी माछीवाड़े दे जंगलां विच खून सिमया, उस तो पहलो पलंगे ते पया भी खून सिमया। इतिहास विच कई ऐसियां गल्लां ने जड़ियां बहुतियां सियाणियां नूं पौंदियां नहीं, पर इत्थे तां कहा जांदा सहस सियाणपां लख होए तां इक ना चलदा। पढ़ो सारे सहस सियाणपां लख होए तां इक ना चलदा। पर नाल इह भी समझाया जांदा अकली साहिब सेवीऐ, अकली पाईऐ मान, अकली पढ़ के बुझीऐ, अकली कीचै दान। अकल नाल साहब की सेवा करनी, अकल नाल इज्जत मिलती है, अकल नाल पढ़ के ते उन्हूं बुझना समझना, अकल नाल दान करना भी किथे करना। गुरु साहब ने सानू समझा दिता असी दान किथे करना, असी खालसे दे खालसे वास्ते दान करना, खालसे नूं दान करना। दान दियो इन्हीं को पलो अर आन को दान ना लागत नीको, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वचन है। खून सिमया चरना विच्छों ते सिखा ने देखिया भी एक ही हो गया, मंजे ते लेटे लेटे खून सिम गया। बड़े हैरान हुए ते सतगुरु नूं कहिंदे महाराज की कारण हो गया। महाराज कहते भाई समा आने इस गल का तुहानू असी उत्तर देंगे, समा छेती आ गया, अगले दिन ही आ गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणा च देवी चंद बैठा, गरीब नवाज के चरणा च बैठा होया, अखां च अथरू वह रहे ने, वराग दे हंजू झड़ी लाई हुई है, ते नाल नाल दसी जांदा होया की है ये देवी चंद पहाड़ी राजे भीम चंद दा दूत सी। गुरु साहब दे दरबार विच आया, इन्हें आण के सतगुरां दे दरबार दी शोभा देखी, महाराज के चरणों से मत्था टेकया, ये मन में ठंड पई, मनो उस वेले महाराज का हो गया, गुरु साहब का हो गया। गल मन भेट कीतिया बनती है, मन बेचै पढ़ो सारे, मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के अरदास। मत्था टेकया ते मनो महाराज का श्रद्धालु हो गया। गुरु साहब के दरबार की शोभा देखी, गुरबाणी सुनी, गुरु के विचार सुने, सिखां दा आचार देखिया, थोड़े जे समय च जदों वापस पहुंचया जाके रिपोर्ट दिती,
भाई उस दरबार की बड़ी महानता है, बड़ी शोभा वड्याई है। गुरु साहब रब का रूप ने, सिख बड़े निर्मल स्वच्छ जीवन वाले ने, ते भीम चंद उस रब रूप नाल मथा ना ला, उहदे नाल ईरखा ना कर, उहदे नाल वैर ना कमा। भीम चंद एकदम गुस्से च आ गया, कहिंदा तू तनखाह मेरे कोलो लैना, नौकर मेरा ते वड्याई गुरु गोबिंद सिंह जी दी करदा, माफी मंग। तू कह ये नहीं, वो कहिंदा नहीं इदां नहीं होना, मैं जो देख के आया वो सच तेनू दस्या। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज रब दा रूप ने उन्हां नाल मत्था ना ला। जदों बहुत कहण ते भी देवी चंद जिहड़ा सी वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की उस्तत करनों नहीं हटिया, ते भीम चंद कहिंदा चंगा तेरी नौकरी खत्म, पर तैनू नाल सजा मिलनी है। इन्हां अखां नाल गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार देख के आया ना, इन्हां अखां नाल वेखे होए की वड्याई करदा ना, वह साडे दरबार नालों होर किसी नूं चंगा कहण लग पिया। ये राजयां दा कई वारी हंकार बोलदा हुंदा भई अपने दरबार नालों किसी दरबार नूं वड्डा समझदे नहीं, चंगा समझदे नहीं। इहो जी बेवकूफी कीती सी ना हिंदुस्तान की सरकार ने भी, जदों श्री अकाल तख्त साहब ते हमला किया 1984 विच, टैंकां तोपां नाल श्री अकाल तख्त साहब जी की इमारत नूं तबाह किया, पर एडे बेवकूफ सी ये, इमारत तबाह होया कोई सिधांत थोड़ा तबाह हो जाना सी, सिधांत अगे नालों वध चढ़दी कला नाल प्रगट होया। भीम चंद कहिंदा भी तू छड्ड उस दरबार की शोभा, देवी चंद कहिंदा नहीं, वह महान ने, गुरु गोबिंद सिंह महान ने, उन्हां दा दरबार महान है। कहिंदा तैनू नौकरी तो कढ़िया, भीम चंद कहिंदा तैनू हुण सजा मिलेगी। सजा की दित्ती, कहिंदा इन्हां अखां नाल वेख के वड्याई करन लग पिया ना, तेरियां ये अखां ही मैं बंद कर देंगा, तेरियां अखां वेखण जोगियां छड्डांगा ही नहीं। सजा की दित्ती, अपने करिंदियां नूं अपने सिपाहियां नूं आखिया इहनूं पहाड़ी ते लै जाओ, इहदियां अखां विच किल ठोक के उत्ते पट्टी बन्न दिओ, उत्तों रेड़ दिओ, इस तरह मार दिओ इहनूं, ना इहदियां अखां रहिण ना इहदा जीवन रहे। सतसंग जी बन के लै गए, बन के लै गए देवी चंद नूं, ते देवी चंद दियां अखां विच जदों ठोकण लगे किल, देवी चंद नूं एकदम गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सरूप याद आ गया, गुरु साहब दे चरणां दा ध्यान धर लिया, ते अंदरों अंदर बेनतियां करदा, महाराज मैं तुहाडा आ, कृपा करो मेरी रक्षा करो, तुहाडे चरणां दा मैनूं प्यार है, तुहाडे चरणां दा वास्ता मेरी रक्षा करो। उन्होंने अपना काम करके पट्टी बन दिती, पहाड़ तो थले रेड़ दिता। हुण कईआं ने इह साखी सुण के कहना भी हो सकदा, हो भी सकदा जे पहाड़ तो थले रेड़ दिता, रेड़द्या 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 वो जिहड़े किल ठुके सन डिग पए। जदों थले आया तो लोटणियां खांदिआं हथ भी खुल गए, पट्टी भी खुल गई, जदों एकदम अखां झमकियां तो ठीक ठाक, निगाह पूरी चंगी तरह देखदा। हुण महाराज दे चरणां च बैठा है, सारी कहानी अपनी दसदा भी महाराज जी इदा मेरे अखां विच उन्होंने किल ठोकने शुरू किए, मैं तुहाडे चरणां दा ध्यान धरिया, इदा कृपा हुई, वह किल जिहड़े सी आपे डिग पए, वह पट्टी खुल गई, ते महाराज मैं हुण सीधा तुहाडे चरणां वल नूं ही आ गया।
सिख समझ गए भी महाराज का कौतक की है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा देवी चंद गुरु नानक साहब के घर की वड्याई है जिहड़ा इहदा आसरा लैंदा उहदी रखिया हुंदी है। देवी चंदा तू चरणा का ध्यान धरिया तेरिया अखा च जिहड़े किल ठुकदे सन वह साडे चरणा विच ठुके। देवी चंदा जे किते साडिया अखा का ध्यान धर लैनो ते वह किल साडिया अखा विच ठुकणे सन। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ? ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। एक गैर दरबार विच्चों आए एक दिन मत्था टेक के गुरु साहब की शोभा वड्याई देख के श्रद्धालु बनने वाले देवी चंद ते इन्नी कृपा हो सकती है। ओदिया अखां च ठुकण वाले किल गुरु साहब अपने चरणों का आसरा दे के ते उन्हों बचा सकते ने। ते अज सोचिए साडियां ते उमरां लंघियां गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करदे आ, साडियां अखां च जिहड़े विकारां दे किल ठुकदे ने ये बंद होए कि नहीं होए? साखी जिहड़ी है ना ये संकेत मात्र हुंदी है। साखी एक इंडीकेशन दिंदी है वी तुसीं इउं करना। हुण देखो जी, कहिंदे गुरु नानक साहब नूं कलयुग मिलन आया। कलयुग कोई वजूद आस बॉडी थोड़ी है, कलयुग तां लक्षण ने। ते जदों आया कहिंदे वी दूरों आया, बड़ा काला सरूप, बड़ा वड्डा सरूप, उहदा वाल खिलरे होए, जीभ लमकी हुई, थले नूं अंगियारे बरसाउंदा आउंदा, पानी बरसाउंदा आउंदा ज्यों। ते उधरों महाराज ने गुरु नानक साहब जी ने मरदाना जी नूं कहा उठो कीर्तन करिए। कीर्तन आरंभ हो गया, ज्यों ज्यों नेड़े आउंदा छोटा होई जांदा ते शरीर ते कपड़ा कोई नहीं, अलफ नंगा। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ,
जे नहीं बैठा आवाज सुनता तो आज भाई तेरा माल कौन सुराग आने लगा ही। सो आओ प्यारियो गुरु साहब की गुरबाणी सर्व सुखा सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना जपो प्यारियो गज के सर्व कल मल डारन मन है सदारन यह आसर मोहे धरना यह आसर मोहे धरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना सर्व सुखा गुर चरना वाहेगुरु आ चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे भागड़ तंग बाजे भागड़ तंग बाजे बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे 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 भागड़ तंग बाजे बाजे भागड़ तंग बाजे बाजे भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे गागड़ तंग गाजी महा गज गाजे गागड़ तंग गाजी महा गज गाजे महा गज गाजे महा गज गाजे गागड़ तंग गागड़ तंग गागड़ तंग महा गाजे गाजे बाजे 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 चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे तागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे भागड़ तंग बाजे बाजे भागड़ तंग बाजे बाजे भागड़ तंग बाजे चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे तागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे तागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे तागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे 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 चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे गागड़ तंग गाजी महा गज गाजे गागड़ तंग गाजी महा गज गाजे महा गज गाजे महा गज गाजे गागड़ तंग काती कटारी कड़ा कंतागड़ तंग तीरंगी तुम कंतागड़ चागड़ तंग नागड़ तंग चागड़ तंग नागड़ तंग भागड़ तंग बाजे 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 कागड़ तंग काती कटारी कड़ा कंग गागड़ तंग काती कटारी कड़ा गागड़ तंग काती कटारी कड़ा कंग गागड़ तंग काती कटारी जिते शस्त्र नामंग जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र भयंग नमस्कार तेयंग गागड़ तंग काती कटारी कड़ा कंग गागड़ तंग काती कटारी अस्त्र पान
आसे कृपान खंडो खड़ग तुबक तुवर अरतीर तुबक तुवर अरतीर सैव सरोही सहती जय हमारे पीर तीर तुही सहती तुही तुही तवर तलवार नाम ते हरो जो जप नाम ते हरो जो जप नाम ते हरो जो जप भय सिद्ध भगवान बाजे 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 कागर तंग कागर तंग कागर तंग बाजे गागर दंग गाजे महा गज गाजे वाहे गुरु। सो प्यारे गुरु साहब कृपा करन सानू सारिया नू अपने चरणा नाल जोड़न बहुत खुशी वाली गल है। बड़े प्यार नाल तुसी टिक के गुरु दे शब्द रूप चरणा नाल चित जोड़ के अपना समा सफल किया है। जिओ आया सारिया संगतां नू तुहानू गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दा कोटान कोट शुकर रोम रोम शुकर। सारिया संगतां जो हाजरियां भर रही हैं सारिया संगतां दे चरणां ते नम्रता सहित सीस नवा के दास अते समूह जथे वल्लों कोटान कोट शुकर। जिन्हां गुरमुखां ने इत्थों दा प्रबंध कीता दासां दीआं हाजरियां दा समां बनाया सारिया दा कोटान कोट धन्नवाद। गुरु प्यारिओ कल नूं अमृत संचार होना ते गुरु प्यारे जो अमृत छकाया जाता खंडे की पौल दिती जाती है मुख विच पांच चूले नेत्रां विच पांच वारी छटे ते केसां विच पांच वरतारे वरताए जाते हैं। सोचिए मुख विच पै जाएगा नेत्रां विच पै जाएगा ते इन्हां नेत्रां की लाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज रखण केसा विच पेगा इन्हां केसां दी लाज रखी जाएगी। गुरु साहब दे चरणां नाल सिद्धा संबंध जुड़ जांदा जदों नेत्रां विच अमृत पैंदा। आओ किते देवी चंद दी साखी सुन के एक केवल मनोरंजन करके ना घरां नूं लै जाइए वसा के जाइए अपने हिरदे च कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण वी साडे कोल ने उन्हां दे चरणां दा ध्यान धरिया हुण वी साडियां लखां मुसीबतां दूर हो सकदियां ने। औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखै अपने को सास सास प्रत पाले। प्यारिओ बड़ियां तस्वीरां बनाईयां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दियां बड़ियां लोकां ने बनाईयां ने पर गुरु गोबिंद सिंह जी दी असल तस्वीर प्यारिओ लोकां ने तस्वीरां बना के कागजां ते कंधां ते टंग लईयां पर मेरे बापू दे पुत्रां पुत्रियां ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी असली तस्वीर अपने शरीरां ते सजाई है। ए पंज ककारी रहत गुरबाणी दा नितनेम खालसाई रहणी बहणी ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी असली तस्वीर है जिन्हों महाराज ने आप कहा खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करो निवास। उल्ला चुकां दी खिमा बख्शनी जिन्हां प्राणियों ने अज तक खंडे की पौल प्राप्त नहीं की बेनती है कल नूं हाजिर होके गुरु साहब के चरणों विचों पंजां प्यारियां कोलों खंडे की पौल लैके नाम रूप अमृत की प्राप्ति करिए ते नाम रूप अमृत की प्राप्ति करके नाम की साधना करके ते जो महाराज ने कहा नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम उस तक पहुंचना ये साडा निशाना है। जिहड़ा उथों तक पहुंच जाता जन्म मरण उहदा कटिया जाता अमृत पीवै अमर सो होए। पुलां दी खिमा सारे जथे नूं
बख्शो जी ते सारे जथे नूं बख्शो असीस गुरबाणी कीर्तन अते गुरमत प्रचार की सेवा सच्चे पातशाह सदा ही जथे कोलों लैंदे रहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।